कहां से सच साबित होती सुनो आप। एमएचए के वेबसाइट पर जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्यूमिनेटर्स की मैनुअल है, किताब है कि जो लोग आपके घर पर आएंगे पहली अप्रैल से, वो किताब में कह रहा है रूल 2.2.3, रूल 2.2.3, रूल 2.2.6 आप जाकर देख लो, जिसमें कह रहे हैं कि एक सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, एक सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके घर को आएगा, पूछेगा आधार कार्ड है बताओ, पासपोर्ट है बताओ, ड्राइविंग लाइसेंस है बताओ, वोट डालने का एपिक कार्ड है बताओ, बताओ अमित शाह ये लिखा है नहीं लिखा बताओ, मैं झूठा हूं या आप झूठ बयान कर रहे हैं, ये कागज पूछेंगे आपसे आकर एनपीआर के नाम पर, इनकी किताब में लिखा गया है, किताब में लिखा गया है जो इनिमिनेटर्स मैनुअल को कहा गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अब होगा क्या, एनपीआर जब होगा तो घर पर आकर ये लेके चले जाएंगे नाम वाम लिखकर, उसके बाद वो जो सेक्शन ऑफिसर से कम होगा वो अगर चाहता है तो अब्दुल रहीम के नाम के आगे डाउटफुल सिटीजन लिख देगा, वारिस पठान के नाम के बाजू डाउटफुल लिख देगा, इम्तियाज जलील के नाम के बाजू डाउटफुल लिखेगा, हमारे कर्नाटका के सदर उनके नाम के आगे डाउटफुल लिख देगा, और उसके बाद क्या होगा, क्यों लिखेगा तू डाउटफुल, उसकी मर्जी उसका इख्तियार। मैं मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच सच बयान कर रहा हूं, उसकी मर्जी है लिख देगा और कहेगा अब्दुल रहीम तू डाउटफुल सिटीजन है बताओ, अब अपनी शहरियत साबित करो। अब्दुल रहीम को दौड़ना पड़ेगा, कागज लाना पड़ेगा, दादा का परदादा का वजूद दिखाना पड़ेगा गुलबर्गे में। चलिए वो हो गया, उसके बाद गुलबर्गे में एक लोकल रजिस्टर बनाई जाएगी और गुलबर्गे की बल्दिया में लोकल रजिस्टर चिपका दी जाएगी और उस पर कोई भी जाकर किसी के नाम के आगे कहेगा कि मुझे इस पर शक है, किसी के नाम के आगे मुझे इस पर शक है, और जब अगर मैं जाकर किसी के नाम पर कहूंगा कि मुझे अब्दुल रहीम के नाम पर शक है तो मुझे कुछ कागज देने की जरूरत नहीं, सिर्फ कहना कि मुझे इसके नाम पे शक है, उसके ऊपर फिर अब्दुल रहीम से पूछा जाएगा चलिए आइए अब आप अपनी शहरियत साबित करिए, ये कानून है, और अगर नहीं साबित करेंगे तो एनआरसी हो जाएगा, एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे एनआरसी हो जाएगा। और सुनो आप, ये जो कुछ एक एक लफ्ज कह रहा हूं इनकी कानून की किताब में लिखा हुआ है, वो देखकर बयान कर रहा हूं, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि कोई अगर संघ परिवार के लोग, बीजेपी के लोग अगर मुझे जो कुछ यहां पर कह रहा हूं अगर गलत है तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ कल, ये तुम्हारे रूल्स में एनपीआर एनआरसी में लिखा हुआ है। और आप एक और पांचवी बात सुन लीजिए, अगर मुल्क में एनपीआर एनआरसी होगा 65,000 करोड़ का खर्चा होगा, 65,000 करोड़ का खर्चा होगा, और आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा से अच्छा अगर काम भी होगा तो कम से कम 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे, 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे, एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं, माहरीन लिख रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा, 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। जब ये पढ़ा तो मेरे आंख में आंसू आ गए, अगर जिसको मैं जानता हूं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे हैदराबाद की वोटर हैं, जिनसे मुझे मोहब्बत है, जो आप यहां पर आए, अगर खुदा की कसम इसमें से एक मुसलमान का भी नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ, अगर मैं
मेरी एक बहन का नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ. यहां पर तो माहरीन लिख रहे हैं कि 8 करोड़ बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा. तो इसीलिए ये इनकी साजिश है. और जब कोई जाकर डाउटफुल सिटीजन लिखेगा, कोई ऑफिसर लिख देगा, लिखेगा जरूर इसलिए कि मुसलमानों से नफरत इस मुल्क में भर दी गई है. क्या मिसालें दूं तुम्हारे सामने, कौन कौन सी मिसालें दूं? क्या तुमने नहीं देखा कि पुडुचेरी में एक हमारी बच्ची बेटी गोल्ड मेडल जीती. गोल्ड मेडल लेने जाना था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सदर जमहूरिया से, तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि बेटी तुमको हम जाने नहीं दे सकते. उसने पूछा क्यों? मैंने मेहनत करके गोल्ड मेडल जीता. तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारे सर पर हिजाब है, कहीं तुम जाकर प्रेसिडेंट के सामने CAA के खिलाफ एहतजाज ना कर दो. गोल्ड मेडल बच्ची जीती, हमारी बेटी जीती. आप बताइए. और ये लोग कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है. यकीनन परेशान होने की जरूरत है. और मैं अपनी मां बहनों की मौजूदगी में कह रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं. याद रखो, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है. अगर इस लड़ाई में अगर हम पीछे हट जाएंगे तो तारीख कभी तुमको और मुझे माफ नहीं करेगी. अगर जिंदा रहना है, अगर हरकत नहीं करोगे तो फिर जिंदा नहीं कहलाओगे. ये हमारे वजूद की लड़ाई है. दिल्ली की हमारी मां और बहनों ने सही कहा कि अगर आज तुम एहतजाज नहीं करोगे तो कल तुम्हारे जनाजे उठाए जाएंगे. अरे अगर जनाजे उठने से पहले हरकत करो, जिंदगी का सबूत दो, एहतजाज करो. भारत का संविधान एहतजाज की इजाजत देता है, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए. कोई गवर वायलेंस नहीं होना चाहिए. मगर खामोश बैठोगे तो तारीख तुमको माफ नहीं करेगी. एहतजाज करना है. 60 दिन चला और 3-4 महीने चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला. डरने और घबराने की जरूरत नहीं है. क्या और 4 महीने एहतजाज चलाएंगे गुलबर्गे की आवाम? आप चलाएंगे एहतजाज? मेरी मां और बहने, मेरी मां और बहने आप सिर्फ हाथ उठाकर कहिए कि आप एहतजाज करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, उन तमाम मां और बहनों ने अपना हाथ उठाकर हम तमाम मर्दों से कहा कि अब तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा. ये एहतजाज जारी रहेगा. हमारे जनाजे अगर उठते हैं तो उठ जाए, हमको कोई परवाह नहीं है. जब पैदा हुए तो जमीन की गिजा सबको बनना है. मगर जब तक जिंदा रहेंगे, डर 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 कर, मर 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 कर, किसी से खौफ खाकर, अपनी शनाख्त को खोकर नहीं जिंदा रहेंगे. जिंदा रहेंगे तो भारत के शहरी बनकर रहेंगे, अव्वल दर्जे के शहरी बनकर रहेंगे. ना मोदी से डरेंगे, ना शाह से डरेंगे, ना आरएसएस से डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे. डरेंगे तो सिर्फ अल्लाह से डरेंगे. किसी से डरने की जरूरत नहीं. हमको एहतजाज करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरा मन एहतजाज करना है. वरना याद रखो, जब सब चीजें खत्म हो जाएंगी उसके बाद अगर आप रोएंगे तो कुछ फायदा नहीं है. आज हमको इस एहतजाज को आगे लेकर जाना है, पुरअमन तरीके से आगे लेकर जाना है और एहतजाज करना है.